नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। आज 6 जुलाई 2018 है। चलिए दिन की शुरुआत करंट अफेयर के साथ करते हैं, ठीक है। पहला देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी, न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को। देखिए, न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को, जो कि पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। ये कौन है? पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है? तो वो राज्य जो है वो पंजाब है, ठीक है। वो राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस कर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर अनिवार्य डोप टेस्ट करने का आदेश दिया है, ठीक है। तीसरा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? एस रमेश को। देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एस रमेश को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। इस एजेंसी को 1855 में स्थापित किया गया था। चौथा सवाल है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? नसीर जंजुआ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जंजुआ ने पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री नसीरुल मुल्क से मतभेद के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पांचवा सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस कॉपीराइट कानून के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा वीपो कॉपीराइट संधि 1996। देखिए, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वीपो कॉपीराइट संधि तथा वीपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छठा है, शिक्षा में बजटीय आवंटन के अतिरिक्त ढांचागत विकास की जरूरत पूरा करने के लिए किस एजेंसी की आधारभूत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी गई है? तो वो क्या है? उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी HEFA की आधारभूत पूंजी का विस्तार कर इसे 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चौथा है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी डालने की योजना की अवधि कितने साल तक के लिए बढ़ा दी है? तो इसका आंसर होगा 3 साल तक। देखिए, सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पूंजी डालने की योजना की अवधि 3 साल 2019-20 तक के लिए बढ़ा दिए। इस कदम का मकसद उनकी कर्ज देने की क्षमता मजबूत करना है। नेक्स्ट है, किस देश के कप्तान माकोतो हसीबी ने विश्व कप प्री क्वार्टर फाइनल में किस टीम के खिलाफ हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर होगा जापान। देखिए, जापान के कप्तान माकोतो
जापान के कप्तान जो है माकोतो हसीबी ने विश्व कप प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जापान के कप्तान जो थे माकोतो हसीबी ने विश्व कप प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नाइन्थ सवाल है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में 11,445 करोड़ रुपए के अनुपूरक मांगे रखी, जिसमें 15 करोड़ रुपए राज्य में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 11,445 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे रखी, जिसमें 15 करोड़ रुपए राज्य में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए आवंटित किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति गठित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो वो देश कौन सा है? ब्रिटेन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग और एक संयुक्त परामर्श समिति गठित करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर कर को मंजूरी दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है, किस हाईकोर्ट ने हवा पानी व जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा हेतु इन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया गया? तो वह उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हवा पानी व जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया। ठीक है, 12वां है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने दलितों को आरक्षण न देने के मामले में किस यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है? इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने दलितों को आरक्षण न देने के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और S4SSC चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली के करंट अफेयर के साथ ही कई अपडेट्स भी मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।